अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है गोल्डन मिस्री मुर्गियों में, मिक्स ब्रीड में, या कोई भी हमने ब्रीड रखी हुई है उनमें CRD की बीमारी जब आ जाया करती है तो उसकी इदामात क्या हैं। मैं एक फ्लॉक जिसका विज़िट किया वो इससे डिस्टर्ब था, तो उसके बारे में आपको मैं उसकी इलामत, एहतियात और इलाज बताऊंगा, और ये किस वजह से हुआ, ये किस वजह से CRD की बीमारी आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि CRD सांस के निज़ाम में पाए जाने वाली एक पेचीदा बीमारी है जिसकी वजह एक बैक्टीरिया बनता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम उसको कहा जाता है। उसका दबाव जब पड़ता है तो ये सांस के निज़ाम में पेचीदगी होती है। इसकी ज़ाहरी इलामात ये फ्लॉक जो आप देख रहे हैं इसमें अभी इब्तदाई तौर पे ये इलामात ज़ाहिर हुई हैं, और इसमें आप जब अपने बर्ड का एग्जामिन करेंगे, अपने बर्ड के पास खुद से जाएंगे तो आपको वाज़ह तौर पे बर्ड नज़र आएगा जिसकी नाक पे आपको पानी नज़र आएगा, जैसे फ्लू के दौरान नाक नज़र आती है बहती हुई। चोंच के ऊपर के जो दो सुराख होते हैं आप उसको देखेंगे, वो गीले नज़र आएंगे। इब्तदाई तौर पे ये गीले होते हैं। चूज़ा अपने गर्दन को झटकता है, या अगर आगे की स्टेज आ गई हुई है तो अब वो अपने गले को, गर्दन को आगे की तरफ खींच के फिर जोर लगाता है, अपना मुंह खोलता है और सांस को लेता है। सांस में एक सीटी की आवाज़ आपको वाज़ह सुनाई देती है, और फिर वो थोड़ी देर कुछ सेकंड उसको वक्फा पड़ता है, उसके बाद फिर वो दोबारा से चोंच खोल के सांस लेता है, और फिर आधा मिनट या 1 मिनट के बाद दोबारा यही अमल वो दोहराता है। सीटी के साथ गर्दन को आगे की जानिब खींचता है। आँखों की तरफ आप उसकी देखो तो उसमें पानी दिखाई देगा, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको जो होती है वो सांस लेने में, उसकी वजह से खाने की तरफ तवज्जो हट जाती है, पानी की तरफ उसकी तवज्जो हट जाती है। इब्तदाई तौर पे इसकी जो अम्वात हैं उसकी वजह बनती है, अगर आपने अपना जो इसको आप इलाज शुरू करवा रहे हैं, दवा दे रहे हैं, उसमें अगर आप की तवज्जो इसकी सांस की बहाली की तरफ ना हुआ करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है अमवात को रोकना। आप एंटीबायोटिक जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, उसके साथ ज़रूरी है हमें इसकी सांस की बहाली का बंदोबस्त करना। अब मैं आपको उसके मुतालिक भी बताता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे इस फ्लॉक के लिए दवा का इंतखाब कौन सा किया और क्यों किया, मैं आपको इसके मुतालिक भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपने बर्ड्स का सांस बहाल करने के लिए, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे मेंटोस जिसका मैंने इंतखाब किया इन बर्ड्स के लिए, इसमें अमोनियम क्लोराइड के साथ हर्बल ऑयल है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मैं काफ़ी अरसे से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पे भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। पहले तो हम इसका ये पानी में पिलाई भी जा सकती है दवा के साथ, और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि बर्ड को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सांस में तो उसके सांस को बहाल करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है ये, और स्पोर्टिव है। एंटीबायोटिक्स के साथ जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं मौसर बनाता है ये दवा को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो पहले तो हम इसको ये स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद इसके पानी के बर्तन, अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स हैं आपके तो आप अपनी लाइंस को उठा दें, ब्लीच से आप उसको साफ़ करें, ड्रम में आप ब्लीच डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, कुछ देर वो खड़ा रहे, और अपने बाहर की जो उसके नीचे बाउल्स हुआ करते हैं ड्रिंकर के, आप उसको भी एक मरतबा स्प्रे से साफ़ कर लें, ब्लीच के स्प्रे से साफ़ कर लें। और अगर आपके छोटे मैनुअल ड्रिंकर हैं तो आप उनको उठाएं, उठा कर उन्हें पहले पानी उसमें जो मौजूद है उसको साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद ब्लीच के पानी से आप उसको डालें, 10 ml/1 L करीब में आपकी ब्लीच हुआ करे पानी में, इसकी मिकदार
और आप उससे अपने बर्तन को धोएं, फिर सादे पानी से धोएं और फिर दवा बना के अपने बर्ड्स के आगे रखें। अब इसमें एक और ज़रूरी काम ये करना है आपने, इतने आपकी ब्लीच आपने उसमें लगाई है, स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद आपको वाज़ेह नज़र आएंगे वो बर्ड्स जिनको ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ है या मामूली शिद्दत की तकलीफ़ है, आप देख पाएंगे उन्हें। आप ऐसे परिंदों को वहाँ से उठा लें अपने शेड से और उन्हें एक जगह अपने शेड में अलग से बनाएं, अपने शेड की जो आपने बाहर जगह कोई छोटी आपने उनके लिए बीमार परिंदों के लिए कोई रूम सेट किया हुआ है, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप उन्हें वहाँ मुंतकिल करें और उनको वहाँ पे दवा दें। और बाकी के जिनमें आपको नज़र आ रहे हैं कि ये बीमार नहीं, लेकिन उन्हें भी आपको दवा देना होगी। बीमार को 5 दिन कम अज़ कम, और जो ये हम प्रिवेंटिव थेरेपी करा रहे हैं इसकी एहतियाती तौर पे, इसको हम जारी रखेंगे करीब में 3 दिन, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी 5 दिन कर सकते हैं। पीने के पानी में अब बर्ड्स अलग कर देने के बाद जो दवा हम शामिल करने जा रहे हैं उसको हम शामिल कर रहे हैं। ये पहले हमने इंतखाब किया फर्स्ट जनरेशन का एमोक्सिसिलिन का, उसकी वजह ये कि इससे पहले बर्ड फोर्थ जनरेशन ले चुका, इसे हम अपनी ज़ुबान में रिवर्स थेरेपी कहते हैं। मैं इसकी रिवर्स थेरेपी कराना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी सीआरडी में, तो मैंने इंतखाब किया है इसके लिए। ये दवा का कोलिस्टीन और एमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन है ये, इसको हम पानी में डालेंगे और इसको पानी में पाउडर को मिक्स करने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे ये मेंटोस को, और इसकी मतलूबा मकदार हम इसे पानी में मिक्स करके और वो हम अपने बर्ड के आगे रख देंगे। और आज हम इसको ये देंगे और स्प्रे कर रहे हैं, कल से स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी जो हमारे बीमार बर्ड हैं तो हम उनको दवा के साथ इंजेक्ट भी करेंगे। तो इंजेक्शन के अगर ना ज़रूरत हो तो ये फिर दवा से वो अगर बहाल हो रहे हैं तो ठीक है, वरना हम जो इसमें से 50, 60, 100 जो बर्ड भी निकलता है उसको हम साथ में इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो इस दौरान आपने अपनी इस चीज़ की एहतियात भी करनी है कि आपकी रात के वक्त में, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, आपने अपने गैसेस को निकालने का खातिर ख्वाब बंदोबस्त ज़रूर करना है। ऐसा ना हो कि बीमारी की वजह से बिल्कुल आप पैक कर दो अपने शर्ट को और मसला दूसरा खड़ा हो जाए। और आप अगर चाहते हैं कि हम इससे बचें, इसकी एहतियात करें, तो बायो सिक्योरिटी पे अमल को यकीनी बनाओ। आपके शेड में आपकी लेबर के अलावा कोई दाखिल ना हुआ करे। इसकी माइकोप्लाज्मा ये कैरी करते हैं हमारी लेबर, मुतासरा फ्लॉक से इस जगह पे या कोई भी हमारे जो आउटसाइड से विजिटर आते हैं या कोई भी हो सकता है वो इसे ला सकता है हमारे शेड में। और इसके अलावा ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी आता है, यानी मुर्गी से चूज़े में और मुर्गी से मुर्गी में, एक परिंदे से दूसरे परिंदे में। तो इसकी एहतियात बायो सिक्योरिटी है, और खुदा ना खास्ता ये आए तो इब्तदाई तौर पे इसका इलाज किया जाए, अमवात से भी बचा जा सकता है और नुकसान से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम वक्त गुजार दें इसमें और अपने दाएं बाएं से टोटके लगाते रहें, तो 2 दिन या 3 दिन गुजर जाने के बाद ये काबू से बात निकल जाती है भाई, बहुत बड़ी अमवात हो सकती है इसमें। इब्तदाई तौर पे इसको समझना, मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको सीआरडी की एक वाज़ेह ये इसकी निशानियाँ बता दी कि हमारा बर्ड जब उसकी आँख में पानी हुआ करे, गर्दन को आगे की तरफ खींच के सीटी के साथ वो सांस ले और फिर नॉर्मल हो, और फिर इस 1 मिनट के बाद करीब में इस अमल को दोबारा रिपीट करे,
नाक उसकी आपको गीली नजर आएगी, सर को झटकेगा भी और आंख उसकी बंद करके वो खड़े होंगे। ये फ्लॉक इससे मुतासिर है, माइको प्लाज्मा से ये मुतासिर है। तो ये मैंने आपको इसका एक प्रैक्टिकली वीडियो और ऑडियो इसे शेयर की। आप फिर भी अगर आप खुद से ना समझ सकें तो अपने करीब जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी अगर समझने में देखने में अगर आपके गलती हुई तो इसका भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये एक वाज़ेह निशानियां हैं जो आपको मैंने बताई और इसका इलाज भी आपसे शेयर किया।